पॉलिनोमियल फंक्शन है जीएक्स कैसा फंक्शन है यह भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम लोग जानते हैं फंक्शन ऑलवेज ऑलवेज एंड पोलिनोम और यह भी जानते हैं कि दो फंक्शन है तो दोनों का सम ऑलवेज कंटिन्यूस डिफरेंस ऑलवेज कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑलवेज कंटिन्यूस लेकिन कोशेंट जो है मतलब जी एक्स अपॉन एफ एक्स अगर फंक्शन को देखें तो ये डिसकटिन्यूअस भी हो सकता है कब डिस्किन्यूस होगा भाई तो जब एफ एक्स मेरा जीरो हो जाए जिस समय एफ एक्स जीरो होगा उस समय फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा और जहां फंक्शन अनडिफाइंड वहां फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूस तो ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो ये तो होगा नहीं ये तो होगा नहीं सी भी नहीं होगा तो डी मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब ठीक है यहाँ हम क्या कर सकते हैं फिर, फिर पूछ रहा है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ है x इक्वल टू जीरो पे या एग्जैक्टली टू पॉइंट्स ये डिसकंटिन्यूस है या एग्जैक्टली थ्री पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है या नन ऑफ दीज तो हम लोग देखते हैं तो फंक्शन डिस्कंटिन्यूस कहाँ हो सकता है भाई यहाँ पे ये यह डिनोमिनेटर क्या हो जाए जीरो हो जाए डिनोमिनेटर जीरो करने का मतलब क्या है हम यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो सेक्स की तीन वैल्यू जीरो को जब करेंगे तो यहाँ एक्स की दो वैल्यू प्लस माइनस टू तो क्या आ रहा है कि फंक्शन तीन जगह पर क्या है डिसकंटिन्यूअस है तो सी ऑप्शन मेरा सही है डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली थ्री पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का सेट ऑफ पॉइंट वी आर द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स माइनसें फंक्शन कहा है डिफरें ठीक है थेके? तो कह रहा कि क्या ऑल रियल नंबर पे डिफरेंशियबल है या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट है ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए या एक्सेप्ट होना चाहिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्टन बाई टू या जीरो टू तो इंफिनिटी कहाँ कहाँ है आप बताइए तो हम लोग को पता है क्या कि फंक्शन नन डिफ्रेंशियबल कहाँ होता है मतलब डिफ्रेंशियबल नहीं होता है कहाँ जहाँ पे मॉडलस का कॉर्नर पॉइंट बनता है और एक कॉर्नर पॉइंट कहाँ बनता है तो जहाँ पे मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है कि टू एक्स माइनस वन मेरा जीरो हो जाए 2x -1, 0 होने का मतलब एक्स इक्वल टू वन बाई टू एक्स इक्वल टू वन बाई टू पे फंक्शन मेरा क्या है, तो है? नॉन है तो वही पूछ रहा है कहाँ कहाँ है तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉटेक्स इज डिस्कटी ऑन द सेट कहाँ कहाँ पे कॉटेक्स जो है है तो हम लोग जानते हैं कॉटेक्स क्या होता है कॉटेक्स होता है तो ये डिनोमिनेटर में आ गया जब भी डिनोमिनेटर जीरो होगा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा मतलब जब साइनेक्स जीरो होगा वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा साइनक्स जीरो कब होता है जब एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो समझ में आया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे एक कॉटेक्स जो है क्या है तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन रहा टू पाई बोलिए या आई बोलिए बात एक ही है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा क्या है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द फल टू टू रिपावर इज तो ये जानते हैं कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है मॉड लग जाने से कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं ये वाई एक्स का ग्राफ है है ना लगाने से ऐसा ग्राफ बन गया तो ये फंक्शन यह फंक्शन्यूस हुआ हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि साइनक्स का ग्राफ ऐसा होता है अब इसी में मोड लगा दिया जाए ये साइन एक्स का ग्राफ है मॉड साइनेक्स का है तो जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर हो जाएगा इस तरह से मतलब ऐसा कुछ ग्राफ हमको देखने का देखने को मिलेगा इस तरह से तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ हो जा रहा नहीं हो रहा लेकिन देखे तो ये नॉन diff, डिफ्रेंशियबल हो जा रहा है मतलब फंक्शन ये ऑलवेज डिफरेंशियबल था लेकिन जैसे ही मॉड लगाए हम लोग तो ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन गया तो जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है वहाँ फंक्शन क्या होता है नॉन डिफ्रेंशियबल तो चलिए ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट कह रहा है कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफ्रेंसियबल एट एक्स इक्वल टू टू जीरो हाँ मॉडलस जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे डिफ्रेंशियबल नहीं होगा तो एक्स इक्ल टू जीरो पर क्या होगा डिफरेंशियबल नहीं होगा पहला ऑप्शन मेरा सही है कि कंटिन्यूस हर जगह है लेकिन जीरो पे डिफ्रेंशियबल नहीं है ठीक है अच्छा और अगर ऑप्शन की बात करें तो कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियबल एवरीवेर ये तो गलत है ना नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो भी गलत है नन ऑफ दिच ये तो होगा नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है सही ऑप्शन है नेक्स्ट तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होना चाहिए तो हम लोग जानते हैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मतलब जो एल एच एल आर एच एल की जो वैल्यू होगी वही एफ जीरो होना चाहिए तो यहाँ एल एच एल आरचएल के लिए तो एक ही फंक्शन डिफाइंड है मतलब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का जो वैल्यू होगा वही एफ जीरो का वैल्यू हो तो हम लोग यहाँ लिमिट निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अच्छा साइन एक्स टेंस टू जीरो है ना साइन वन बाई जीरो साइन के अंदर जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है इनपुट में इंफिनिटी मिल रहा है हमको पता है साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस वन से वन के बीच चाहे हम लोग इनपुट कुछ भी रख ले तो यहाँ इनपुट इन्फिनिटी आ रहा है लेकिन वैल्यू जो होगा माइनस वन से वन के बीच का ही कोई होगा ठीक है और माइनस वन से वन के बीच में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स जीरो है तो एक्स स्क्वायर भी जीरो तो ये आंसर जो हम लोग का आ रहा है जीरो इन टू माइनस वन टू वन तो जीरो में हम लोग माइनस वन से वन के बीच का कोई भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा जीरो इसका मतलब क्या है एफ जीरो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है चलिए ऐसा थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है क्वेश्चन ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बाई बाई टू सेकेंड क्या है साइन एक्स प्लस एन एक्स क्या है ग्रेटर है, तो है. तो है ना हम डायरेक्ट पाई वाई टू एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं तो यह आएगा आंसर एम पाई बाई टू प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे भी हम पाई बाई टू पुट करते हैं तो साइन पाई बाई टू प्लस एन और देखिए साइन पा टू की वैल्यू वन तो ये क्या आ रहा टू प्लस टू वन प्लस कहीं ऐसा ऑप्शन है तो वो सही है कहां है ऐसा ऑप्शन नंबर सी एन इक्वल टू एम पाई बाय टू ये मेरा करेक्ट आंसर

तो देख लीजिए कहाँ ऐसा ऑप्शन है न्युण 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 तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं है नहीं एक्स मैं हाँ, ये हाँ है ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स देन एफ इज तो फिर से आ गया ना

डेरेटिव ऑफ कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स तो ऐसा कह रहा है नहीं बताना है किसके रिस्पेक्ट में बताना है कॉस इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में बताना है ठीक है तो हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं भाई हम पहले क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट इनवर्स टू एक्स स्क् वन विद रिस्पेक्ट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डीएक्स से हम लोग क्या कर दिए डिवाइड कर दिए अब हमको क्या करना है इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में

और डिनोमिनेटर में क्या हो जा रहा है माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्सो इससे ये कट जा रहा है फाइनली और मेरा आंसर क्या आ जा रहा है टू ठीक है तो ऑप्शन ये सही है दूसरा तरीका भी हो सकता है कैसे हो सकता है यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है वो कॉस इनवर्स ऐसा है. इसको लिखते हैं टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स मतलब ऐसा है कि अगर हम कॉस इनवर्स को कुछ समय के लिए टी मान ले रहे हैं तो ऐसा आ जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ टू टी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ टी मतलब वही हो गया ना टू टी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा टू तो आंसर फाइनली